बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए एक बड़ा बाउल ले लीजिए। अब छलनी में 150 ग्राम मैदा डालिए, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालिए। मैदा और बेकिंग सोडा को छान लीजिए। अब मैदा में 5 टेबल स्पून घी डालिए। घी को हमने मेल्ट करके लिया है, जिसमें घी मैदा में अच्छी तरह से मिक्स करके बनेगा। अगर आप बालूशाही को तेल में भी फ्राई करते हैं तो मोयन में घी का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से बालूशाही में घी का फ्लेवर आता है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने बालूशाही को तेल में फ्राई किया है या घी में। अब 4 टेबल स्पून गाढ़ा दही डालिए। अब सारी चीज़ों को हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है, इसका हमें मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करना है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें 1-2 चम्मच पानी डालिए। मैंने यहाँ पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, केवल दही और घी से हमारा डो तैयार हो गया है। अब फिलहाल के लिए डो को ढककर 10 से 15 मिनट के लिए एक तरफ रख दीजिए, जब तक हम चाशनी बनाकर तैयार कर ले। चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन लेंगे और उसमें 2 ग्राम में 350 ग्राम चीनी डालेंगे, 1 कप पानी डालेंगे, यानी कि जितनी चीनी होगी उससे आधा पानी लेना है। गैस ऑन करेंगे और चीनी को घुलने तक पका लेंगे। बीच में 1-2 बार चीनी को चला देंगे। चीनी पानी में बहुत अच्छी तरह से घुल गई है। चाशनी बहुत पतली है, हमें बालूशाही के लिए 2 तार की चाशनी बनाना है, इसलिए हम चाशनी को मीडियम आंच पर 5-6 मिनट तक और पकाएंगे। चाशनी गाढ़ी हो गई है, 2 तार की चाशनी बनकर तैयार है। अब चाशनी में हल्का सा कलर लाने के लिए थोड़े से केसर के धागे डालेंगे। हमने केसर के धागे को पानी में घोल लिया है। अगर आपके पास केसर के धागे ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। अब चाशनी को ढककर फिलहाल के लिए एक तरफ रख दीजिए। अब हमारा डो भी सेट हो गया है। डो को हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अब तैयार डो में से थोड़ा सा आटा लेंगे और इसे इस तरह से सिलेंडर सेक देंगे। अब आटा को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, लगभग नींबू के बराबर। बालूशाही को जब फ्राई किया जाता है तो ये फूल कर बड़ी हो जाती हैं, मतलब ये साइज में लगभग 1.5 गुनी हो जाती हैं, इसलिए आटे के टुकड़े को छोटा ही रखें। अब एक टुकड़ा लेंगे और इसे दोनों हाथों से गोल आकार देकर हल्का सा दबा देंगे। अब बालूशाही के बीच में होल करेंगे। होल दोनों तरफ से करना है। अंगूठे और बीच की उंगली को दोनों तरफ से हल्का सा दबाकर होल करें, इस तरह से। होल अच्छे से करें, नहीं तो बालूशाही तलते समय होल बंद हो जाएंगे। इसी तरह से सभी बालूशाही बनाकर तैयार कर लीजिए। हमने सभी बालूशाही बनाकर तैयार कर ली हैं, अब हम इन्हें तलेंगे। कढ़ाई में तेल या घी गर्म होने के लिए रखेंगे। अगर आपको घी से परहेज हो तो आप बालूशाही को तेल में भी तल सकते हैं, इससे इसके स्वाद में कोई फर्क नहीं आता है। तेल या घी को हल्का सा गर्म करें। इसके लिए हमें तेल या घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। चेक करने के लिए डो में से थोड़ा सा टुकड़ा डालेंगे। आप देख सकते हैं डो के टुकड़े में बिल्कुल हल्के से बुलबुले आ रहे हैं। तेल हल्का सा गर्म होना चाहिए, हमें बालूशाही तलने के लिए इतना ही गर्म तेल चाहिए। अब एक एक करके बालूशाही डालेंगे और आंच बिल्कुल धीमी रखेंगे और बालूशाही को गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। इसे तलने की जल्दी ना करें। बालूशाही को बीच बीच में पलटते जाएंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए। बालूशाही गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और चाशनी में डालेंगे। चाशनी हल्की सी गर्म होना चाहिए। ध्यान रहे कि चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि यहाँ हमारी बालूशाही भी गर्म है। अगर दोनों चीज़ गर्म रहेंगी तो बालूशाही बिखर जाएंगी। बालूशाही को चाशनी में 2-3 मिनट तक छोड़ देंगे।
जब तक कि हम बाकी की बालूशाही भी कढ़ाई में डाल देते हैं। 3 मिनट हो गए हैं, अब बालूशाही को प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से बची हुई बालूशाही भी बनाकर तैयार करेंगे। अब बालूशाही को कटे हुए पिस्ते से गार्निश करेंगे। मुंह में जाते ही घुल जाने वाली बालूशाही बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी बालूशाही बनी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी की अधिक जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट anyvadicancookbyarchana.com ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी के साथ।